दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हाय गाइस, स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जुमार डोंगल के बारे में। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर यह है जुमार डोंगल और ये मार्केट में अभी अभी जो नया नया लॉन्च हुआ है और इस डोंगल का क्या फीचर है, कौन कौन से मोबाइल इसमें अनलॉक होता है, क्या इसका फीचर है, कैसे इसका सेटअप डाउनलोड करना है, कैसे इसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसे रजिस्टर करना है, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो गाइस जुमार डोंगल का जो आपको सेटअप डाउनलोड करना है या उसके फीचर के बारे में जानना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे गूगल में टाइप करना होगा zumardongle.com। जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे zumardongle.com, नीचे में आपको लिंक मिल रहा है, उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद जुमार डोंगल की साइट पर आप ऑटोमेटिकली आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप फीचर पे क्लिक करके आप इसका फीचर देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से मोबाइल सपोर्ट है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा इसमें सैमसंग का जो है टोटल मोबाइल जो है सपोर्ट है, ठीक है। और किस किस काम में आता है आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि आप इसे कंट्री कोड अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क पिन है तो नेटवर्क पिन को आप अनलॉक कर सकते हो। फ्लैश के अलावा आप इस टूल से अनलॉक कर सकते हैं। इसमें आप फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह ओरियन टूल से फ्लैश करते हैं, सैमसंग Z3X से फ्लैश करते हैं, उस तरह से आप इस टूल के माध्यम से भी आप मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से मॉडल सपोर्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सपोर्ट मॉडल पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सा मॉडल सपोर्ट है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसमें नया और पुराना जितना भी है, ओल्ड न्यू जितनी भी मॉडल है, सारी सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मान के चलिए इसका गैलरी पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप गैलरी पर क्लिक करोगे तो ये दिखा रहा है किस तरह से आपको अनलॉक करना है। उसके बाद अगर आप मान के चलिए अगर आपको सेटअप फाइल इसका डाउनलोड करना है, यहाँ अपडेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सेटअप आप इसका डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यह है इसका फीचर, ठीक है। और कैसे इसे इंस्टॉल करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल कर रखा है सेटअप को अपने कंप्यूटर में। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे इस सेटअप को हम यहाँ पे इसे रजिस्टर करेंगे, ठीक है। और कैसे आपको इसे यूज करना है ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये टूल जो है ओपन हो चुका है और बिना डोंगल लगे हुए जो है आपके कंप्यूटर में ये टूल ओपन नहीं होगा, ठीक है। डोंगल लगा हुआ रहेगा तभी आपका ये टूल ओपन होगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे इन्फो पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये दिखा देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये डोंगल का ID दिखा रहा है यहाँ पर और ये डोंगल अभी रजिस्टर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसे आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो जब भी आप नया डोंगल लेंगे तो पहले आपको इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है इसे रजिस्टर करना होगा। जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे इसे तब तक आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर ये सारा का सारा जो आपको भरना होगा, ठीक है। यहाँ पे नाम आपको डालना होगा, ईमेल डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है। और किस डीलर से लिए हैं, किस रिसेलर से लिए हैं, उस रिसेलर का भी नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। और जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ये रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसे कैसे रजिस्टर करना है। मैंने सब चीज भर दिया था, ठीक है, टोटल जो मैंने डिटेल भर दिया था। उसके बाद मैंने इस पे क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऑनलाइन ऑटोमेटिकली जो है रजिस्टर हो रहा है। तो इस तरह से आप भी जो इसे रजिस्टर कर सकते हो, उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। सारी डिटेल आप उसमें डालोगे, उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से ही आपका जो है रजिस्टर हो जाएगा। और जैसे रजिस्टर होगा उसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सारा एरिया हाइड है, ये सारा ऑटोमेटिकली जो आपका काम वर्क करने लगेगा, काम करने लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारा एरिया जो हाइड था वो आप यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट चेक करने के लिए आपको यहाँ पे फोन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप फोन पर क्लिक करोगे यहाँ पे चेक क्रेडिट का ऑप्शन है। जैसे आप चेक क्रेडिट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका ऑनलाइन जो यहाँ पे क्रेडिट दिखा देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 80 क्रेडिट जो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो 80 क्रेडिट का प्राइस लगभग 8000 के आसपास मार्केट में है, ठीक है। तो 80 क्रेडिट 8000 रुपए मार्केट में है। लेकिन अगर आप ये डोंगल खरीदते हो तो इस डोंगल में आपको जो है ये 4800 रुपए मिलेगा, ठीक है। 4800 में आपको ये डोंगल मिल जाता है। और हो सकता है आगे चल के इस डोंगल का प्राइस और जो है कम हो सकता है, कहना मुश्किल है। अभी मार्केट में अभी ये डोंगल उपलब्ध है, मेरे पास भी है। और आप लेना चाहोगे तो अभी इसका प्राइस है 4800 रुपए 80 क्रेडिट के साथ में। आप कोई भी कंट्री कोड अनलॉक कर सकते हो, फ्लैशिंग कर सकते हो, अनलॉकिंग कर सकते हो।
डोंगल खरीदने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, आप वहां से जो है उसे डायरेक्टली जो बाय कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस डोंगल का फीचर मैं आपको और भी बताने वाला हूं, यहां पे आप वीडियो के साथ बने रहें और मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं कि इसमें और भी क्या क्या फीचर है और मैं आपको यहां पे लाइव दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आप वीडियो अंत तक देखें, आप यहां पे देख सकते हो। सबसे पहले मांग के चलिए आपके पास कोई मोबाइल है, ठीक है, तो जो भी मोबाइल है उसका मॉडल नंबर आपको यहां पर टाइप करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कोई एक मॉडल नंबर यहाँ पे टाइप कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे कोई एक मॉडल नंबर यहाँ पे टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे कोई एक मॉडल नंबर टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नीचे में उसका जो जो वर्जन है वो सब दिखा रहे हैं, ठीक है। तो किसी एक वर्जन को हम क्लिक कर लिए, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल चुका है एडीबी मोड का, तो एडीबी मोड में हम इसे अनलॉक करेंगे। जिस तरह सैन की में करते हैं उस तरह से इसमें भी करना है। मान के चलिए फ्लैशिंग करना है तो राइट फॉर्म में क्लिक करना है, अनलॉक करना है तो अनलॉक पे क्लिक करना है, डायल पे क्लिक करना है, तो ये सारा ऑप्शन इसमें हमको मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस ये था इस डोंगल का फीचर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।